गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास एट का जो चैप्टर 12 है, एक्सरसाइज 12.2। इसमें देखो, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपने सेवन्थ क्लास में भी किया है चैप्टर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं इसको। जैसे 0.00000000, ये हमारे पास 00 करके 85 है। हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करना है। कैसे करोगे, जैसे हमारे पास यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, जितने भी जीरो है काउंट कर लो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो जीरो, उसके बाद डिजिट भी काउंट करने हैं हमारे पास ये, ठीक है। जितने भी नंबर आएंगे हमारे पास डेसिमल के बाद, जितने भी डिजिट बनते हैं जीरो को लगा के और डिजिट को भी लगा के 85, तो उतनी जीरो हमारे पास नीचे डिवाइड में आपने डेसिमल हटाना है, इट मीन्स 1 के बाद उतनी जीरो लगा देनी है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है ही, तो हमने यहाँ पर जो है 13 जीरो लगाई है 1 के साथ ही। अब देखो, यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जैसे हमारे पास 85 है, हमने इसको 8.5 की फॉर्म में चेंज करना है, तो यहाँ पर ओनली वन डिजिट है 5 जैसे लास्ट में, तो यहाँ पर डेसिमल लगाना 8 और 5 के बीच में, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड कर देना इसको, जो ये 10 है 10 से कट जाएगा, तो 85 और ये 10 मिलकर बन जाते हैं 8.5। और ये हमारे पास जो जीरो थी, जितनी भी जीरो थी, ये 13 थी, तो हमारे पास नीचे 12 रह जाती है, तो 10^12, और ये 10^12 जो ऊपर जाके माइनस की पावर में हो जाता है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है ये, 0. जितनी भी जीरो है और 942 है हमारे पास ये, अब ये नंबर काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 है ये, तो 942 रखेंगे एज इट इज़, और नीचे हम 1 के साथ जो है 14 जीरो लगा देंगे। और हमारे पास देखो 942, इट्स मीन्स हमने 9.42 समथिंग बनाना है, तो मतलब हमने जो है एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, 9 के बाद डेसिमल लगाना, तो 9 के बाद जो सिंगल डिजिट छोड़ के 1, 2 दो नंबर है, तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना, 100 से डिवाइड करना है यहाँ पर, ठीक है। अब दो जीरो कट जाती है, और 942 अपॉन 100 करोगे तो 9.42 बन जाएगा। और इसके बाद जो है नीचे जीरो काउंट करोगे, 14 थी पहले, अभी कितने रह जाएंगे, दो जीरो कटने के बाद ये 12 रह जाता है, तो 9.42 10^12, और ये 12 जो है प्लस में है, तो ऊपर जाके ये माइनस में हो जाएगा। ऐसे ही आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी आपने सेम ऐसे करना है, 602 के बाद जितनी भी जीरो है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है ये, इट मीन्स हमारे पास 602 इंटू 13 जीरो है, तो इंटू 1 के साथ 13 जीरो लगा देनी है आपने ये। और हमने जो है 6.02 की फॉर्म में चेंज करना है इसको, मतलब 02 का मतलब दो डिजिट हैं, यहाँ पर दो डिजिट हैं, तो हमारे पास यहाँ पर हमने 100 से मल्टीप्लाई करना, 100 से डिवाइड कर देना है इसको, तो 6.02, क्योंकि जो 602 है और 100 मिलकर, तो हमारे पास क्या बन जाते हैं दोनों ही 602, और डिवाइड में 100 करोगे तो दो डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, यहाँ पर 0 को 2 को छोड़ के डेसिमल आ जाएगा, और ये हमारे पास 13 थी और 14 15 जीरो हो जाते, तो 10^15। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 है इसका, ही डेसिमल के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर आ जाते हैं, इसका मतलब हमने 837 के साथ नीचे जो 1 के साथ जो 11 जीरो लेनी है, और 837 है तो 37 इट मीन्स टू डिजिट है 8 को छोड़ के, तो हमने 100 से करना है और 100 से डिवाइड करना है, तो डिजिट जीरो कट जाती है दोनों ही, और 100 करोगे 837 अपॉन में 100 करोगे तो 8.37 बन जाएगा, और नीचे हमारे पास 11 थी, तो हमारे पास दो जीरो कट जाती है, तो हमारे पास 9 जीरो बचेगी यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास जो है 9 जीरो बचेगी, तो 10^9 नीचे पॉजिटिव है, तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, नीचे का नंबर जब ऊपर जाओगे मल्टीप्लाई में तो माइनस का हो जाता है। ऐसे हमने जो है क्वेश्चन नंबर जो है इसका फिफ्थ पार्ट करना है, ये मैंने आपको करवा दिया है। सेकंड क्वेश्चन में हमने यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है इसको, यूजुअल फॉर्म कैसे, जैसे 3.02 10^-6 है, अब पावर माइनस सिक्स है, तो ऊपर न्यूमरेटर में इसको डिनोमिनेटर करेंगे तो प्लस पावर 10^6 हो जाएगी, और पॉइंट के बाद दो डिजिट हैं, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, 1 के साथ दो जीरो आ जाती है, आपको पता ही है कि डेसिमल के बाद अगर दो जीरो है तो नीचे 100 आ जाएगा, 302 सिक्स पावर यहाँ पर है और 2 पावर यहाँ पर है, तो ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बन जाती हैं जीरो, ठीक है, दोनों की मिलानी है, दोनों को मिला के, तो अब 8 डिजिट छोड़ के आपने डेसिमल लगाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट छोड़ के आपने डेसिमल लगा देना है यहाँ पर। ऐसे 3 × 10^-8 है, -8 नीचे प्लस का 8 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, 1, 10^8 का मीनिंग यहाँ पर 8 जीरो आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
अब 3/1/80 है ये, तो आपके पास जो है हमने क्या करना है कि 8 डिजिट छोड़ के 0 डेसिमल लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, क्योंकि 3 सिंगल डिजिट है तो उसके साथ हमने 0 लगा के डिजिट पूरे करने हैं, 8 डिजिट कंप्लीट करनी है। ऐसे आपने सेकंड पार्ट करना है इसका ही, ठीक है। 4.5 45/10 बन जाएगा, 10^4 है तो ये प्लस की है पावर, इसलिए न्यूमरेटर में ही रहेगी 1000, एक जीरो कट जाते तो 45,000 बन जाएगा। फोर्थ पार्ट सेम ऐसे ही करना है आपने, और फिफ्थ पार्ट करना है ऐसे ही, ठीक है। ये मैंने आपको करवा रखे हैं, डेसिमल हटाना, नीचे 10 आ जाएगा, और 10^12 प्लस में है तो ऊपर लेना है, अगर माइनस में है पावर नीचे आ जाएगी 0 ही। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट करना है आपको इसका, ठीक है। ये आपको मैंने करवा दिए हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखो ये एक्सप्रेस द नंबर इन द स्टेटमेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसका भी, जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था स्टैंडर्ड फॉर्म में करना सेम इसको। अब 1 micron इज इक्वल टू 1/-, तो ये हमारे पास आता था 0 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 0 है तो 1/10^6 आ जाएगा, ये नीचे प्लस की है पावर तो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और पावर 6 जो प्लस की है तो ऊपर आके माइनस की हो जाएगी। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, डिजिट काउंट करो 3 6 9 12 15 18 प्लस 2 ये 20 हो गए, तो 6/1 के साथ 20 0 आएगी, ठीक है। डेसिमल के बाद जो है जितने भी डिजिट है वो काउंट कर लें आप, 1.6 × 10^19, क्योंकि हमने 1.6 समथिंग बनाना है तो 1 के छोड़ के एक सिंगल डिजिट आया है, तो 10/10 से करेंगे तो 0 कैंसिल हो जाती है, तो 16/10 तो बन जाएगा 1.6, और यहाँ पर 90 0 बची है हमारे पास ये, तो 10^19 नीचे प्लस का है तो ऊपर आके माइनस का हो जाएगा। ऐसे आपने थर्ड पार्ट करना है इसका ये, और सेम जो आपने इसका ये फोर्थ पार्ट करना है, मैंने आपको करवा दिया है, पीडीएफ आपको भेज भी दी गई है और मिल जाएगी आपको पीडीएफ ये। और ऐसे ये थिकनेस वाला क्वेश्चन है, 0.07 mm को करोगे तो 0.07 यह बन जाएगा 7/100, 10^2, और 10^2 है तो न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हमारे पास 10^-2 भी बन जाएगा। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि थिकनेस ऑफ द फाइव बुक्स की जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ ईच थिकनेस 20 mm, वन बुक की जो थिकनेस है 20 mm है तो 5 की बन जाएगी 5 × 20। ऐसे यहाँ पर वन पेपर की जो थिकनेस है 0.016 है तो 5 पेपर की बन जाती है 5 × करेंगे, तो थिकनेस ऑफ द वन बुक 20 mm, थिकनेस ऑफ द फाइव बुक्स 20 × 5 100 mm बन जाता है, और थिकनेस ऑफ द वन पेपर 0.016 एंड थिकनेस ऑफ द फाइव पेपर्स 5 × 0.016 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, तो टोटल थिकनेस कितनी हो गई, दोनों को ऐड करेंगे 100 प्लस में 0.080 आएगा तो ये 100.080 आ जाता है। इसको आपने चेंज करना है, ठीक है, इसको आपने जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है, क्या आएगा यहाँ पर 100.080, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1000 आ जाएगा, और हमने जो है डेसिमल देखो कितने डिजिट के बाद लगाना है, 1 point something के बाद लगाना है, तो 1 2 3 4 5 डिजिट एक्स्ट्रा है हमारे पास यहाँ पर ये, तो हमने यहाँ पर इसको जो है 1 lakh से मल्टीप्लाई 1 lakh से डिवाइड करना है, 0 0 कटते कट कर देना है, तो इसको जो हमारे पास बन जाएगा ये दोनों को क्या बनेगा, इस पर देखो 1 2 3 4 5 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना, और यहाँ पर बचेगा 100 × 10^2 mm। ये हमने जो डेसिमल में आपने 7th class में भी किया है क्वेश्चन ये, तो आई होप कि आप सभी कोई क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे, आपने अपनी कॉपी में करने हैं, और जैसे आप कॉपी में करोगे तो आपने मेरे पास ये व्हाट्सएप के द्वारा भेज दे रहे हैं। ओके, थैंक यू बेटा।